तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूज। हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करता हूँ एंड आज तो मेरे पास बहुत ही सारी न्यूज है फ्रॉम गेम्स लाइक GTA 5, वैलोरेंट मोबाइल, डेथ स्ट्रैंडिंग, पबजी न्यू स्टेट, निंटेंडो स्विच प्रो, फ्री फायर एंड और भी बहुत सारे गेम्स की तरफ से। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। प्लेस्टेशन लंदन स्टूडियो एक नए गेम पर काम कर रहा है एंड उनका कहना है कि इनका जो नया गेम होने वाला है इसका ह्यूज पोटेंशियल है, मतलब वो आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब इस स्टूडियो ने 2002 में PS2 के लिए GTA स्टाइल ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम बनाया था जिसका नाम था द गेटअवे। ये गेम द गेटअवे मूवी पर बेस्ड था और खूब पॉपुलर भी हुआ, लेकिन जो इसका नेक्स्ट पार्ट आया ना वो ज्यादा खास नहीं चला और फिर इसके गेम्स आने बंद हो गए। तो कुछ दिन पहले ऐसे र्यूमर्स आ रहे थे कि द गेटअवे सीरीज का एक नया गेम डेवलपमेंट में हो सकता है और प्लेस्टेशन लंदन स्टूडियो जिस ह्यूज पोटेंशियल वाले गेम की बात कर रहा है शायद वो यही हो। फिर Among Us में एक नया अपडेट आ गया है और इसमें अब क्विक चैट का फीचर डाल दिया गया है। इसमें यह है कि जब आप चैट कर रहे हो तो कुछ फ्रेजेस एंड मैसेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जिन पर आप क्लिक करके उन्हें सेंड कर सकते हो। इस फीचर को प्लेयर्स बहुत टाइम से कह रहे थे ऐड करने को, लेकिन फाइनली अब ये फीचर आ गया है। लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने बाकी हैं क्योंकि ये ग्रामर में कभी कभी मिस्टेक कर देता है। अब बात करते हैं अपने इंडिया में बन रहे एक गेम के बारे में जिसका नाम है 1971 इंडियन नेवल फ्रंट। मैंने इसको पहले भी एक वीडियो में कवर किया था तो इसको लेकर कुछ न्यूज आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इंडियन वॉर हिस्ट्री पर बेस्ड गेम होने वाला है और बेसिकली 1971 की वॉर के इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं इस गेम में जो कि एक्चुअल इंसिडेंट्स थे। और इस गेम में सारे शिप्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट सभी एक्चुअल इंडियन मॉडल्स हैं जो उस टाइम यूज किए गए थे और इस गेम को न्यूज़स्फियर इंटरैक्टिव एंड डिजाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस मिलकर बना रहे हैं। और इसकी रिलीज डेट के बारे में पता लग रहा है कि ये मई में आ जाएगा और फिर उसके बाद इसका एक मल्टीप्लेयर वर्जन भी आएगा 3 से 4 महीने बाद जिसमें अलग अलग गेम मोड्स होंगे। तो आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आप चाहो तो इसे स्टीम पर जाकर विशलिस्ट भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको गेम ईऑन ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में बताया था जो कि CS:GO एंड वैलोरेंट की एक टूर्नामेंट है। अब उसमें एक अपडेट है कि इनकी रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल जीरो हो गई है। फिर इनका प्राइस भी इंक्रीज होकर अब 3.5 लाख का हो गया है, मतलब 2.5 लाख का कैश प्राइस और 1 लाख वर्थ के गिफ्ट हैम्पर्स। उसके अलावा अब फ्री फायर गेम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है तो जो भी उसे जीतेगा उसे एक ब्रांड न्यू फोन मिलेगा। अभी फ्री फायर का टूर्नामेंट कब होगा और उसमें कौन सा फोन मिलने वाला है इसके बारे में अभी कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। फिर इंडियन गेमिंग शो एंड कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें क्राफ्टन के हेड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका अनुज टंडन ने मेड इन इंडिया गेम्स के बारे में कहा है कि ये सोने का खजाना है। अभी बाहर के डेवलपर्स वाइकिंग्स या फिर ग्रीक मैथोलॉजी पर गेम्स बना रहे हैं जिससे प्लेयर्स बोर होना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद और उसके बाद वो इंडियन गॉड्स एंड मैथोलॉजी पर गेम्स बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी 2 से 3 हजार साल की काफी रिच हिस्ट्री है। तो अगले 5 सालों में इंडियन गेम्स बहुत ही बड़ा करने वाले हैं और इवन बाहर की कंपनीज तक इंडियंस पर गेम बनाना शुरू कर देंगी और तब तक तो इंडियन गेम डेवलपर्स को भी बहुत अच्छे अच्छे गेम बनाने आ जाएंगे और हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। वैलोरेंट लीक्स करके एक बहुत ही बड़ा ट्विटर अकाउंट है जिसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उसने कहा है कि वैलोरेंट मोबाइल अंडर डेवलपमेंट है लेकिन कंसोल वर्जन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद गोस्ट गेमिंग नाम के यूट्यूबर ने भी वैलोरेंट मोबाइल के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे कुछ टाइम पहले जिसमें हम देख सकते हैं कि काफी सारे मूवमेंट एंड फायरिंग के बटन्स हैं। तो उसके भी इतने सारे बटन्स हैं कि पूरी स्क्रीन पर सिर्फ बटन्स ही बटन्स दिख रहे हैं। वैसे वैलोरेंट PC पर ही इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो सोचो जब मोबाइल के लिए आएगा तो एग्जिस्टिंग मल्टीप्लेयर गेम्स को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देने वाला है। फिर PUBG न्यू स्टेट के 5 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गए हैं, मतलब लोगों में काफी एक्साइटमेंट है इसको लेकर, लेकिन क्या फायदा, इंडिया में तो आएगा नहीं है कुछ टाइम तक। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर इसके प्री रजिस्ट्रेशन इंडिया में भी चालू होते तो 7-8 मिलियन तो आराम से क्रॉस हो जाते। फिर इंडियन गेमिंग शो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान ये भी पता लगा कि फ्री फायर के टोटल मंथली यूजर्स में से सिर्फ 10% इंडियंस हैं, जो कि काफी शॉकिंग लगा मुझे क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे फ्री फायर का क्रेज है उस हिसाब से 10% तो थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये भी है कि ये स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2020 के हैं, उसके बाद तो PUBG मोबाइल भी बैन हो चुका है तो हो सकता है कि अब फ्री फायर खेलने वाले बढ़ गए होंगे इंडिया में। अभी 1-2 दिन पहले Take-Two Interactive के CEO स्ट्रॉस ज़ेलनिक ने GTA 5 के बारे में कुछ चीज़ें बताई तो हमें पता ही है कि 2021 के सेकेंड हाफ में GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड आने वाला है फॉर PS5 एंड Xbox सीरीज X। अब इसको लेकर कुछ और डिटेल नहीं बताई गई थी कि जो नया GTA 5 होने वाला है इसमें ऐसा क्या अलग होगा, पर स्ट्रॉस ज़ेलनिक ने फाइनली इसके बारे में कुछ कहा है। उनका कहना है कि ये वाला GTA 5 बस एक सिंपल पोर्ट नहीं होगा। अब उन्होंने बोला तो बस इतना ही है लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो नया GTA 5 होने वाला है इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। उसके अलावा एक और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये PC पर आएगा या नहीं, और अगर नहीं फिर तो हम PC प्लेयर्स का क्या होगा।
फिर उनका ये भी कहना है कि रॉकस्टार गेम्स किसी चीज़ को अगर नेक्स्ट जेन के लिए बनाता है तो उसमें ग्राफिक्स को अपग्रेड करता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें भी डालता है। एंड उनके हिसाब से गेम्स को रिमास्टर करना भी अब उनकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। तो शायद वो GTA 5 के अलावा कुछ और पुराने गेम्स को रिमास्टर करने वाले होंगे। अब कुछ दिन पहले GTA 3, Vice City एंड San Andreas के रिमास्टर के रूमर्स आ रहे थे, क्या पता वो सच हो। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि GTA 6 कब तक आएगा, कुछ तो बताओ। तो उनका तो वही स्टैंडर्ड रिप्लाई था कि जब आना होगा तब आ जाएगा और रॉकस्टार इसके बारे में बताएगा। और फिर स्टॉस जेलनिक की बातों से ये भी लग रहा था कि वो GTA ऑनलाइन को सेपरेटली लाने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब लोग GTA 5 को स्टोरी मोड के लिए नहीं खेल रहे और इसकी वजह से GTA 5 की जो सेल्स हैं उस पर सैचुरेशन आ जाएगा और इसीलिए वो अब GTA ऑनलाइन को अलग से लॉन्च करेंगे ताकि जिसने अगर स्टोरी मोड खेल भी लिया है तब भी वो ऑनलाइन के चक्कर में उसे खरीद लेगा और खेलता रहेगा। ऐसे ही उन्होंने Red Dead ऑनलाइन को भी सेपरेटली लॉन्च किया था और वो काफी सक्सेसफुल रहा। बल्कि ये सब तो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप सभी ने GTA 5 को क्रैक करके उसकी स्टोरी तो कंप्लीट कर ली होगी, बस उसका GTA ऑनलाइन खरीद लेना और अपने दोस्तों के साथ मजे करते रहना। और बल्कि सस्ता भी होने वाला है क्योंकि यार जब Red Dead ऑनलाइन आया था ना तो वो कुछ महीनों तक तो सिर्फ 400-500 रुपए में मिल रहा था, तो हो सकता है कि जब ये GTA ऑनलाइन आए तो वो भी सस्ता ही मिले। बल्कि यार दूसरे डेवलपर्स को भी ना कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि स्टोरी और मल्टीप्लेयर मोड को अलग से लॉन्च किया जाए, ताकि इसमें क्या हो कि अगर मेरे को सिर्फ स्टोरी मोड खेलना है तो मैं मल्टीप्लेयर के पैसे क्यों दूं, अगर मल्टीप्लेयर का मन होगा तो मैं अलग से खरीद लूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है COD मोबाइल की तरफ से और इसके सेकंड सीजन में नया मल्टीप्लेयर मैप आने वाला है जिसका नाम है शिपमेंट। इस नए सीजन की थीम होने वाली है डे ऑफ रेकनिंग। उसके अलावा COD मॉडर्न वॉरफेयर का शूट हाउस मैप भी इसमें आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीजन के बैटल पास के कुछ लीक्स भी हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि दो नई ऑपरेटर की स्किन्स आने वाली हैं और कुछ वेपन स्किन्स हैं। फिर बात करते हैं वैलीम की, जो मैंने आपको बताया ही था कि माइनक्राफ्ट की तरह एक सर्वाइवल गेम है और हद से ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। ये बेस्ट सर्वाइवल गेम लॉन्च ऑफ ऑल टाइम बन गया है और इसने बड़े बड़े गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इवन इसे रिलीज हुए भी बस एक दो महीने हुए हैं और अब न्यूज़ आ रही है कि इसने 5 मिलियन सेल्स पार कर लिए हैं, वो भी इतनी जल्दी। तो आप बताओ कि इसे खेल रहे हो या फिर नहीं। स्टीम पर ये अवेलेबल है 530 रुपये में। फिर इसमें 2021 में बहुत से नए अपडेट्स भी आएंगे, जैसे कि इसका पहला अपडेट होगा हर्थ एंड होम का, इसमें गेम के बिल्डिंग पार्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। फिर थर्ड अपडेट होगा शिप्स एंड सी, जिसमें शिप कस्टमाइजेशंस भी ऐड की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गेम्स गॉसिप के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ आपको PC, मोबाइल एंड कंसोल गेमिंग से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलती है, वो भी बहुत ही जल्दी, इसलिए इसे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। फिर एक ट्रस्टेड लीकर की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि डेथ स्टैंडिंग में कुछ नया स्टोरी कंटेंट आ सकता है। इस लीकर का नाम है नावत्रा, जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इसने कहा है कि PS4 एंड PS5 के लिए नया स्टोरी कंटेंट आ सकता है। शायद ये कोई DLC हो सकती है, लेकिन जो भी होगा पेड ही होगा। सोनी और कोजीमा प्रोडक्शंस ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आप बताना कमेंट्स में कि आपने डेथ स्टैंडिंग खेली है या नहीं। फिर COD वॉरजोन की कुछ वॉइस लाइंस लीक हुई हैं, जिससे पता लग रहा है कि नए मोड्स आने वाले हैं, जैसे कि एक मोड होगा प्लेग मोड, जिसमें वर्डेंस मैप पर जॉम्बीज आ गए हैं और प्लेयर्स को उन्हें हटाना होगा, अगर नहीं हटा पाए तो वर्डेंस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाएगा। ऐसे ही एक लीक कुछ दिन पहले भी आया था, जिसमें वर्डेंस मैप पर न्यूक गिराने की बात हो रही थी। दूसरा मोड होगा सैंडबॉक्स मोड, जो कि शायद एक रेसिंग मिनी गेम होने वाला है और उसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से पार्टिसिपेट किया जाएगा। फिर तीसरा मोड होगा एक्सफिल्ट्रेशन मोड, जो कि पहले ही अनाउंस हो गया था, उसमें प्लेयर्स को एक पोर्टेबल रेडियो ढूंढकर होल्ड करना है जब तक टाइमर पूरा नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट न्यूज आ रही है निंटेंडो की तरफ से और उसका एक हायर वर्जन आ सकता है, जिसमें बड़ी स्क्रीन होगी और 4K का आउटपुट होगा। सैमसंग जून से 7 इंच की 720 पिक्सल्स OLED डिस्प्लेज बनाना शुरू करेगा इस नए स्विच के लिए, और जब ये स्विच डॉक मोड में होगा तो उसका 4K ग्राफिक्स का आउटपुट भी होगा। स्विच का जो करंट वर्जन है उसमें 6.2 इंच की डिस्प्ले है और नई वाली में 7 इंच की डिस्प्ले होगी, जिसमें बेजल्स काफी कम होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसका नाम स्विच प्रो होगा और ये फैंस की तरफ से बहुत टाइम से डिमांड में भी था। फिर मैं आपको एक अपना लीक भी बता देना चाहता हूँ कि शायद Assassin's Creed Ezio Collection भी स्विच पर बहुत जल्द आ सकता है। जिनको नहीं पता तो बता दूं कि स्विच एक हैंडहेल्ड कंसोल है, मतलब आप कह सकते हो कि मोबाइल की तरह ही है, जो सिर्फ गेमिंग के लिए बना है। GamingIndustry.biz के एक इंटरव्यू के हिसाब से Remedy Entertainment 5 नए गेम्स पर काम कर रहा है और ये वही स्टूडियो है जिसने कंट्रोल गेम बनाया था। उनमें से दो गेम्स को Epic Games फंड कर रहा है और वो दोनों ही सेम यूनिवर्स में सेट होने वाले हैं। एक AAA गेम होगा और दूसरा थोड़ा छोटा गेम होगा। उसके अलावा और 3 गेम्स पर काम चल रहा है, जैसे कि Crossfire X, जो कि एक सिंगल प्लेयर गेम होगा और Xbox Series X एंड S पर आएगा। फिर वो एक मल्टीप्लेयर गेम Vanguard पर भी काम कर रहे हैं। इन सभी गेम्स के एग्जैक्ट रिलीज डेट तो अभी नहीं पता, लेकिन ये PC एंड कंसोल्स के लिए आएंगे। एंड गाइस, बस यही था आज की गेमिंग न्यूज़ में। मैं जानता हूँ कि आज बहुत सारी न्यूज़ थी, आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और मैं जानता हूँ कि यार पिछले कुछ दिनों से मैं नॉर्मल वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाता हूँ, तो इस हफ्ते से वो भी आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।